डूंगरपुर नगर परिषद जिसका नाम सभापति रहते हुए केके गुप्ता ने विश्व पटल पर ला दिया था, जिस डूंगरपुर को बच्चा बच्चा जानने लगा था। देश के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा डूंगरपुर को सम्मान मिला, पहचान मिली, वो भी विकास और स्वच्छता के नए नए आयाम देखकर, जहां नवाचारों से केके गुप्ता ने जैसे एक क्रांति ला दी थी और सभी को ये बता दिया था कि अगर कोई पूरी शिद्दत से काम करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। उसी डूंगरपुर नगर परिषद के भाजपा बोर्ड का कार्यकाल को 2 साल पूरा होने के बाद नगर परिषद की बोर्ड बजट बैठक का भाजपा के स्वयं का बोर्ड होते हुए, भाजपा का सभापति होने के बावजूद विपक्ष की तो छोड़िए भाजपा के पार्षदों के द्वारा तक बहिष्कार कर दिया गया। जबकि निवर्तमान सभापति केके गुप्ता के कार्यकाल के दौरान सिर्फ पार्टी के पार्षद ही नहीं, विपक्ष के पार्षद भी कभी ये नहीं कह पाए कि मेरे वार्ड में काम नहीं करवाया गया या रोक दिया गया। आज नगर परिषद सभागार में ही आयोजित की गई ये बोर्ड बैठक मिसाल बन गई। इधर नगर परिषद सभापति अमृतलाल कलासुआ के प्रति भयंकर नाराजगी दिखाई दी। पहली बार ये होगा कि पार्षदों ने बोर्ड की बजट बैठक का ही बहिष्कार कर दिया। भाजपा पार्षद या बीटीपी का कोई भी पार्षद बैठक में नहीं पहुंचा, जिसे बजट बैठक में कोरम पूरी नहीं हो पाई और 1 घंटा इंतजार करना पड़ा और बैठक ही स्थगित करनी पड़ गई। इधर नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष महालक्ष्मी कोटड़िया ने भी सभापति पर काम नहीं करने के आरोप लगाए हैं। सभापति जी ने हमको कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और कभी हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं हुए। कांग्रेसी वार्ड के काम भी पूरे नहीं होते हैं। हम जनता भी नाराज है उनसे, हम सब पार्षद भी नाराज हैं। शहर के विकास के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। हम नहीं चाहते इनको, हम इनको अविश्वास प्रस्ताव में लाना चाहते हैं। बहुमत हमारे पास नहीं, हम करेंगे किसी भी कंडीशन में। बीटीपी तो हमारे साथ है और हमारे विश्वास में आई हुई है कि हम भी विरोध करेंगे क्योंकि हमारी काम भी नहीं होता। लेकिन हम बीजेपी के पार्षद के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनका भी नाराजगी होगी तभी नहीं गए होंगे। वो नाराज हैं, उनकी भी बात नहीं सुनते हैं वो। दरअसल डूंगरपुर नगर परिषद की जो बोर्ड की बजट बैठक है वो 11 बजे रखी गई। सभापति अमृतलाल कलासुआ, भाजपा सांसद कनकमल कटारा और आयुक्त दुर्गेश रावल बैठक में मौजूद थे। वहीं 40 पार्षदों में से भाजपा के 12 पार्षद के साथ 2 निर्दलीय पार्षद भी बैठक में पहुंचे। इसके बाद कोई पार्षद नहीं आया। करीबन 1 घंटे तक सब इंतजार करते रहे। अमृतलाल कलासुआ भी इंतजार करते रह गए लेकिन पार्षद गायब रहे। सबसे बड़ा आरोप सभापति पर यह लगा कि पार्षदों के काम सभापति नहीं करवाते, इससे पार्षदों को जनता के सामने जाने में शर्म आती है, विकास का काम ठप हो जाता है, साथ ही जनता भी परेशान हो रही है। कांग्रेस पार्टी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं इस सब का ठीकरा सभापति पर फूटता देख सभापति ने भी कुछ कारण गिना दिए, जिससे मोहन भागवत के कार्यक्रम में भाजपा पार्षदों की ड्यूटी लगी होना बताया। वहीं ये भी बताया कि 4 पार्षदों की पत्नी जो है वो रीट की परीक्षा देने गई है और साथ ही कुछ पार्षद ढूंढोत्सव कार्यक्रम में व्यस्त है। आज बजट को लेकर के बैठक आयोजित की थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 4 पार्षदों की पत्नियों का रीट एग्जाम होने की वजह से एवं ढूंढोत्सव के कार्यक्रम में 2-4 गए हैं, कुछ निजी काम से गए, जिसकी वजह से हमारे पूरा कोरम नहीं हो पाया और 2 पार्षद की कमी की वजह से आगे के लिए स्थगित की जाती है। अब देखिए, आपने सभापति जी की बात सुन ली लेकिन जो सबसे बड़े और वास्तविक कारण जो सामने आ रहे हैं वो भी जनता के सामने लाने बेहद जरूरी है। देखिए, सभापति जी का जो रवैया है वो किसी भी पार्षद को समझ नहीं आ रहा है। उन पर इतने आरोप हैं कि अविश्वास प्रस्ताव अगर आया तो उनको खासी परेशानी हो जाएगी। आपको याद हो तो नगर परिषद पर यह आरोप लगा था कि ये गेप सागर झील की पाल पर जो अवैध निर्माण हो रहा था उसमें भी इन्होंने मौन स्वीकृति दे रखी थी, जबकि नियम के मुताबिक यहाँ निर्माण स्वीकृति परिषद नहीं दे सकती क्योंकि यह झील के MWL क्षेत्र में निर्माण का मामला है और इसे लेकर उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है, जिसकी भी कहीं न कहीं अवहेलना होती दिखाई दे रही थी। प्रशासन शहरों के संग अभियान की अगर बात करें तो उस दौरान विधायक गणेश गोगरा ने प्रेस वार्ता कर नगर परिषद और सभापति अमृतलाल कलासुआ पर भ्रष्टाचार के भारी आरोप लगाए और कहा था कि पैसे वालों को ही पट्टे मिल रहे हैं, मुफ्त पट्टा वितरण सभापति को अखर रहा क्योंकि कमाई चली गई। तीसरा जो कारण सामने आया वो कैचमेंट एरिया में अवैध निर्माण टेंडर और नीलामी में हो रही गड़बड़ी और झील कैचमेंट एरिया में अवैध
निर्माण रुकवाने के बावजूद धड़ल्ले से कार्य होता रहा। रातों रात बोरवेल खुद गया, दिन दहाड़े जेसीबी से जमीन खोद दी गई और इस सब को देखते हुए आरोप लगे और विधायक गणेश गोगरा ने ट्वीट भी किए थे कि विधानसभा में नगर परिषद के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर सरकार से जांच की मांग की जाएगी। जो एक काम सबसे तेज होना चाहिए था वो था विकास का कार्य, उसको छोड़कर सब काम होते रहे बराबर। इसी को लेकर भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी सभी पार्षदों से मुलाकात कर एक एक पार्षद के विचार और समस्याएं जानी। मतलब समस्या ऊपर तक पहुंच चुकी है, अब इतने आरोपों को सभापति के ताबूत की कील न बन जाए तो फिर क्या समझा जाए, क्योंकि इतने पार्षदों की बैठक का बहिष्कार किसी बड़ी गड़बड़ी का इशारा जरूर करते हैं। जनता के साथ इस तरह अगर दिखा होगा तो चुनावों में निश्चित ही इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है और सभापति महोदय को उससे भी पहले इस अविश्वास प्रस्ताव से सामना हो सकता है।